हमारे हॉबी में काफी सारे मैन मेड फिश है, गोल्डफिश, फ्लारॉन, ये भाई साहब सब मैन मेड। लेकिन सोचने वाली बात है, मैन मेड फिश भी कुदरती फिश से ही सेलेक्टिव ब्रीडिंग से बनता है। तो अगर कुदरती फिश को लेके बनाते हैं तो उसके बनने में भी कुदरत का भी हाथ होगा ना, और ऑफ कोर्स ऊपर वाले का हाथ होता ही है हमेशा। अगर कुदरत का एंड ऊपर वाले का इच्छा नहीं है तो मैन मेड फिश भी बन नहीं सकता है। तो ये फिश भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हॉबी में जितना रेगुलर फिश। इनका भी एक कैरेक्टर होता है, इनका भी एक एटीट्यूड होता है, इनका भी एक कलर, ब्यूटी, सब कुछ। एंड जो एग्जॉटिक फ्लारॉन्स रखने वाले या रेगुलर फ्लारॉन्स रखने वाले या गोल्ड फिश रखने वाले, यह बात आपको जरूर कंफर्म करेंगे कि हां इनमें भी कुछ बात है। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जॉटिक फ्लारॉन के बारे में। ये है काम्फा, नहीं वो कुंफू है, ये काम्फा है, काम्फा फ्लारॉन। ओके, ये कौन सा वैरायटी है, क्या ग्रेड है, इसमें रेगुलर फ्लारॉन में डिफरेंस क्या है, ये सब हम लोग बात करेंगे एंड डिस्कस करेंगे मेरे एक दोस्त मिस्टर जीशान शेख के साथ। जीशान शेख काफी सालों से फ्लारॉन कीपर है, फ्लारॉन इंपोर्ट करते हैं, बेचते हैं हाई क्वालिटी का। तो जीशान जो है थाईलैंड के एक बहुत ही हाई क्वालिटी फार्म है, 9.9 फ्लारॉन फार्म करके है थाईलैंड में, वहां से एग्जॉटिक कॉम्पिटिशन ग्रेड, ए ग्रेड, सुपर ग्रेड, वीआईपी ग्रेड, ये सब फ्लारॉन्स मंगाते हैं एंड मुंबई के अंदर या पूरा इंडिया के अंदर अवेलेबल कराते हैं। नाउ ये 9.9 रेडियो चैनल नहीं है, फ्लारॉन का फार्म है। एंड और जानकारी के लिए चलो हमारे दोस्त जीशान शेख को बुलाते हैं एंड उनसे डिस्कस करेंगे फ्लारॉन्स के बारे में। मुझे भी बहुत क्वेश्चंस है, ओके, मैं भी पूछने वाला हूं। चलो, तो ये है हमारे दोस्त जीशान शेख, ओके, एंड यंग मैन, वेरी डायनेमिक, वेरी यू नो एनर्जेटिक, बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं, बहुत पैशनेट है फ्लारॉन्स के बारे में। जब भी मैं इनसे बात करता हूं तो मेरे को मोटिवेट हो जाता है फ्लारॉन्स रखने के लिए भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कभी रखा नहीं। तो आज मुझे एक मौका मिल रहा है जीशान से फ्लारॉन्स या एग्जॉटिक फ्लारॉन्स के बारे में समझने के लिए। तो आज फ्री हो भाई? हाँ, मैं फ्री हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ एंड ऑफकोर्स पब्लिक भी पूछना चाहेंगे। तो पहले तो ये समझाओ, ये फ्लारॉन में, फ्लारॉन छोड़ के ये बहुत सारे अलग अलग नाम है, रेड डेविल और काम्फा, ये सब क्या चीज है भाई? तो जो रेड डेविल तो एक्चुअली एक टाइप की चिकलेट है, या कुछ लोग उसको सिकलेट भी बोलते हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो रेड डेविल के अलावा जो पॉपुलर स्ट्रेन है हाइब्रिड के, सो वन ऑफ देम इज सुपर रेड मंकी, जिसको SRM भी बोलते हैं, फिर काम्फाज है, फिर जेनजू ZZ, जिसका हम लोग एब्रीविएशन यूज करते हैं। तो जेनजू इज इट कंटेन्स KMLs, SRDs, और फिर मतलब वो ये जो जेनजू, पूरा समझा ये मेरे को, KMS, SRD, मेरे को मतलब वो एब्रीविएशन छोड़ के पूरा क्या क्या है उसका नाम? क्या जो KML है उसको हम लोग कमलो बोलते हैं, कमलो का शॉर्ट फॉर्म है KML, और जो SRD है वो सुपर रेड ड्रैगन का शॉर्ट फॉर्म है। तो SRD में कैसा रहता है, SRD अक्सर जो SRDs आप देखते हो वो सब एक जैसी दिखती है, 50% बॉडी फ्रंट से, फेस से लेकर आधी बॉडी तक वो रेड होती है, और बाकी की 50% कुड भी येलो या व्हाइट कलर की या कलरलेस होती है। तो वो SRD होती है, वो जो आप रेगुलर मार्केट में जो फ्लावरॉन्स देखते हो वो SRD उनमें आती है। तो जो जेनजू है जिसको हम लोग ZZ से नोटेशन देते हैं, तो SRD जेनजू की कैटेगरी में आती है। तो ऐसी बहुत सारी टाइप की हाइब्रिड्स है, तो जिनमें से सबसे पॉपुलर जो मैंने तीन बोला हूं आपको, जेनजू, काम्फा और SRM मतलब सुपर रेड मंकी। बहुत डिटेल है, बस टाइम लगेगा ये सब समझने में, लेकिन टाइम निकालेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जीशान भाई है, आप भी उनके वहां जा सकते हो कुर्ला में, आपका जो व्हाट ही वेरी ब्यूटिफुली कॉल्स इट द सेफ हाउस, 9.9 सेफ हाउस जी,
बहुत बहुत सुंदर नाम है. व्हाई डू यू कॉल इट 9.9 सेफ हाउस? सो बिकॉज हम लोगों की फिशेस को जो कामफास है उनको हम लोग जेम्स बोलते हैं. 9.9 जेम्स. जेम्स, यस, मतलब हीरे मोती. जेम्स, हाँ. सो बिकॉज हम लोगों की स्टोर में जेम्स होते हैं तो हम लोग ने उसका नाम 9.9 सेफ हाउस रखा है. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. आई मीन दिस इज सच अ नाइस वे टू पुट इट बिकॉज फिश हॉबीज के लिए जेम्स ही है बस, हीरे मोती से कुछ कम नहीं है जी. तो सेफ हाउस मतलब वहां पे सेफ रहेंगे. ताले के अंदर रहता है क्या? ताला तो होता ही है. अच्छा, ताला होता है, तोड़ने का नहीं है बस. हेलो, ओके. नाउ ये मैं हमेशा सोचता हूँ, ये कुंफू और कामफा में क्या फर्क है? कुंफू तो पकड़ा ना. चलो, कुंफू कुंफू होता है, कामफा कामफा होता है, ठीक है. बट इट्स इंटरेस्टिंग, यू नो, कुंफू क्यों नहीं है? बिकॉज मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक ऐसा फ्लावर होना चाहिए कुंफू वाला, बिकॉज वैसे भी वो कलरफुल, वो चाइनीज मार्किंग सब कुछ आता है ना, ऐसा होना चाहिए. चाइनीज नेम कामफास का होता है चिंग हुआ. अच्छा, तो चिंग हुआ चाइनीज नेम है, और जो वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड नेम है कामफास के लिए वो हम लोग जो यूज करते हैं कामफा है. कामफा. इंफॉर्मेशन बहुत है, बहुत इंफॉर्मेशन है, मजा आने वाला है ये वीडियो में. देखते रहो, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नाउ रेगुलर जो दुकान में मिलता है फ्लावर और ये जो एग्जॉटिक कामफा एसआरडी आपने जो समझाया, इसमें क्या फर्क है? जो बेसिक डिफरेंस वो क्वालिटी का है. आपको जब हम लोग थाईलैंड में फार्म से परचेज करते हैं तो उनके पास सब ग्रेडिंग के फिशेस मिल जाती है. इट स्टार्ट्स विद सी ग्रेड्स, बी ग्रेड्स, बी प्लस ग्रेड्स, फिर ए ग्रेड आता है. ए ग्रेड भी मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइडेड है. तो जो रेगुलर शॉप्स पे आप देखते हो, अब वो डिपेंड करता है जो वो शॉप सेलर है वो किस ग्रेड की किस कैटेगरी की फिशेज रख रहा है. लेकिन जो कॉमन नॉर्म है हमारे यहाँ पे तो नॉर्मली सिर्फ बी और बी प्लस ग्रेड्स की फ्लावर ऑन हम लोगों को देखने मिलती है रेगुलर शॉप्स पे. तो ये ग्रेड्स के हिसाब से उसका प्राइस भी चेंज होता होगा जी. इंटरेस्टिंग. नहीं, आप सबको मालूम है मैं प्राइसिंग डिस्कस नहीं करता हूँ मेरे चैनल पे. अगर आपको प्राइस वगैरह जानना है तो जीशान भाई से मिल सकते हैं, उनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है. वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस है, वहां पे आप कांटेक्ट करें. उनका यू नो फेसबुक लिंक वगैरह है, आप कांटेक्ट करें उनको और डायरेक्टली आप बात करें, पूछें, और अगर आपको चाहिए तो उनसे बात करें. तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक और बात समझाओ, बिकॉज सी हमेशा मेरे को ही कंफ्यूज होता है कि जब हम शॉप में जाते हैं हमें कैसे पता चलता है कि ये वाला अच्छा है, ये वाला बी ग्रेड है, ये वाला कामफा है, कैसे पता चलता है? तो जो बेसिक डिफरेंसेस है कामफास में ग्रेडिंग जिसके हिसाब से होती है, तो जो सबसे मेन पॉइंट जिसको मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ वो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका टेल बोन. अगर उसका टेल बोन शॉर्ट और ठीक है, अगर आप पहली बार में ही कुछ फिशेज देखोगे तो यू वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश. करेक्ट. तो उसके लिए आईज ट्रेंड होना बहुत जरूरी है. मतलब यू हैव टू लुक लाइक सी सफिशियंट नंबर ऑफ फिशेज. आपको काफी अलग अलग टाइप के फिशेज देखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये कौन सी ग्रेडिंग का अच्छी क्वालिटी है या नहीं. ओके, सो अगर मैं समझो मैं न्यू भी हूँ जी, न्यू हॉबीस्ट हूँ, और मुझे मौका नहीं मिला है ज्यादा कुछ देखने के लिए, और मैं आपके शॉप में आता हूँ, कि क्या ऐसे हो सकता है कि मैं गूगल में रेफर करूँ? 50-60 फोटो गूगल में रहता ही है, और रेफर करके आपके पास आऊं और आप मेरे को और डिटेल समझाएंगे, बताएंगे कि ये यू नो दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, ये कर सकते हैं. यू कैन डू दैट फॉर मी, राइट? हाँ, यूजुअली जो भी कस्टमर आते हैं ना उन लोगों को हम लोग ऑन द स्पॉट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रेडिंग कैसा, ये फिश का ये प्राइस क्यों इतना क्यों हम लोग जस्टिफाई करते हैं. और रही बात गूगल की, तो मैं अभी रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी जो भी हॉबिस्ट है उसको गूगल फोरम्स पढ़ने के लिए, क्योंकि वो अक्सर जो गूगल फोरम्स है जो फ्लावर ऑन्स के कामफास के वो आउटडेटेड है. तो वो उस वक्त के 2007, 10, 13 जिस वक्त इतनी ज्यादा बिकॉज़ या न्यू थिंग्स आर कमिंग. हाँ, ये हॉबी उस वक्त इतनी डेवलप नहीं हुई थी. करेक्ट. तो अभी देयर इज अ लॉट मोर नया इंफॉर्मेशन है, नया जानकारी है, तो बेस्ट टू मीट विद द राइट पीपल हमेशा, ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट बात, एक कामफा कौन से साइज में आप यू नो रेकमेंड करते हो? अगर मैं अगेन मैं न्यू भी हूं एंड मेरे को
फिश का साइज क्या होना चाहिए, उसके साथ टैंक का साइज क्या होना चाहिए, उसमें क्या फिल्ट्रेशन होना चाहिए, ये क्या इंपॉर्टेंस है, हीटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब जो सेटअप, ओके जरा समझाइए प्लीज। जो मिनिमम टैंक साइज हम लोग रेकमेंड करते हैं एडल्ट कैम्फा के लिए वो 3 फीट है। 3 फीट एडल्ट कैम्फा का साइज क्या होता है? एडल्ट कैम्फा कैन गो अप टू 15 इंचेस। 15 इंचेस? यस, सो समटाइम्स इट इवन क्रॉसेस दैट, 15 इंच से बड़ी भी होती है कभी कभी। और ग्रूमिंग के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि अंडर 5 इंच की कैम्फा को 2 फीट में आप रखोगे तो बेटर। मिनिमम 2 फीट? हाँ ये मिनिमम 2 फीट। यस ओके, इसमें हीटर होना जरूरी है? हाँ हीटर होना जरूरी है क्योंकि जो टेम्परेचर में ये थ्राइव करती है मतलब अच्छे से वो मिनिमम 28 डिग्रीज है। सो बिलो दैट द फिश विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द कॉक, उसका कॉक श्रिंक हो जाएगा, जिसको जो उसका हेड है उसको हम लोग केओ के कॉक बोलते हैं, तो वो श्रिंक हो जाएगा, फिर वो कलर्स डल कर लेगी तो फिश स्ट्रेस में चली जाएगी। 28 आज के आसपास मतलब 27 to 29 इज अ गुड टेम्परेचर? यस 28 to 32 हम लोग ऐसा बोलते हैं, गूगल पे है, लेकिन 28 to 30 इज फाइन, इज आइडियल। 28 to 30 डिग्रीज होना जरूरी है, आइडियल है मतलब बेस्ट है, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या होना चाहिए? बस ऐसा है कि आप एक मैकेनिकल फिल्टर लगा दो, जैसे कि जैसे इसमें लगा हुआ हैंग ऑन द बैक, या फिर टॉप फिल्टर है, एंड दैट इज टू लाइक क्लीन ऑल द डेब्रीज, जो भी डर्ट पार्टिकल्स हम लोगों को दिखते हैं टैंक में। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ सिर्फ एक स्पॉन्ज फिल्टर पूरे टैंक में, दैट इज इनफ फॉर वन फिश। ओके सो स्पॉन्ज फिल्टर अच्छा है, बट ऑल्सो अगर आप हैंग ऑन द बैक या टॉप फिल्टर यूज करते हैं तो बेहतर है। यस ठीक है, पानी साफ रहेगा, बिकॉज हम लोग हमेशा बोलते हैं पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। स्पॉन्ज फिल्टर में मेरे हिसाब से बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन उतना होता नहीं है, एंड अमोनिया बिल्डअप हो सकता है, एंड दैट कैन ऑल्सो इफेक्ट द फिश। ओके अगर स्पॉन्ज फिल्टर ठीक अच्छा वाला नहीं है, बहुत छोटा है, बट अगर थोड़ा मीडिया के साथ फिल्टर हो तो जरूर वो बेटर हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक जीशन? फिल्ट्रेशन इज लाइक इज नेवर इनफ, या उसको कैसा फ्रेम करें? व्हाट यू सेइंग इज राइट, आप जो कह रहे हैं करेक्ट है, जितना फिल्ट्रेशन हो कम है। यस ठीक है, तो जितना हो उतना बेटर है। ओके तो ऑफ कोर्स गुड फिल्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके नाउ अभी फिश का जो है ना, ये अकेला क्यों रखते हैं? बहुत बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन आता है हमारे को यूट्यूब में कि वाई अकेला ही रखें, क्यों साथ में क्यों दूसरे फिश ना रखें, या कम्युनिटी टैंक में क्यों ना रखें? इसके दो रीजन है। ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ कम्युनिटी एक्वेरियम ऑफ फ्लावर ऑन्स, आप बना सकते हो, लेकिन वो उसकी ब्यूटी को वैसा मतलब वो फुल पोटेंशियल में फिश अपना कभी रीच ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये फिश बहुत टेरिटोरियल है, और जब ये फिश दूसरी फिशेज के साथ रहती है फ्लावर ऑन्स, तो उसका कॉक श्रिंक हो जाएगा और उसका कलर डल हो जाएगा, और लाइक दिल कीप ऑन फाइटिंग, तो वो मरेगे नहीं, वो फेटल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फिन्स वगैरह निप होगा। अभी आप जैसा देखते हो कि ये फिश की जो फुल ब्यूटी है 100% पोटेंशियल पे, वो आप कम्युनिटी में नहीं देख पाओगे कभी भी। ये फिश हमेशा जो ब्लूम होती है वो अकेले में होती है। हमने सिक्लिट्स का वीडियो में मैंने ये बात समझाया था कि टेरिटरी या टेरिटोरियल फिश क्या होते हैं, टेरिटोरियल सिचुएशंस क्या होते हैं, डोमिनेंट मेल, डोमिनेंट फीमेल, या यू नो लेसर मेल्स, ये पूरा हमने डिटेल समझा था। अभी ये भी सिक्लिड्स ही है, मतलब सिक्लिड से ही बनाया गया है, तो मेंटालिटी या इंस्टिंक्ट्स सेम है, तो बिहेवियर भी सेम होगा। सो ऑलवेज द बिगर मेल विल बी मोर कलरफुल। सो अगर कम्युनिटी बनाएंगे तो एक फिश ही बहुत सुंदर दिखेगा, बाकी सब डल हो जाएंगे। राइट, सो दैट इज द रीजन या वैलिड रीजन क्योंकि हम फ्लावर को अकेला रखते हैं। नाउ अकेला रखना एक, बहुत लोग ब्रीडिंग कोशिश करते हैं। ओके ऑफ कोर्स ब्रीडिंग के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो कॉन्वर्सेशन, बट पॉसिबिलिटीज क्या है? इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी इजी टू ब्रीड फ्लावर ऑन्स, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीड क्वालिटी फ्लावर ऑन्स। मेरा एक बहुत ही थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, कहते हैं कि ये जो फार्म्स वगैरह में है वो फ्लावर ऑन को ऐसे बनाते हैं, या डीएनए कुछ तो मॉडिफिकेशन रहता है कि वो ब्रीड ही ना करे, इनफर्टाइल हो, ये सच है क्या? नहीं ये सच नहीं है। फ्लावर ऑन में ऐसा, जो अगर मैं पर्टिकुलरली कैम्फास की बात करूं, क्योंकि जो फ्लावर ऑन की एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो ब्रीड नहीं करती है या हार्डली ब्रीड करती है, वो कैम्फास है।
तो काम्फा ब्रीड इसलिए नहीं करती क्योंकि वो हाइब्रिड है. फॉर एग्जांपल जो पैरेट फिशेज है मार्केट में हम लोग देखते हैं, पैरेट फिशेज का मेल कभी भी फर्टाइल नहीं होता है. इट इज द सेम रीजन वो फर्टाइल नहीं होता है क्योंकि अगर आप एनिमल्स में घोड़े और गधे का एक क्रॉस ब्रीड होता है म्यूल जिसको बोलते हैं, सो म्यूल्स आर ऑलवेज इनफर्टाइल. वो क्यों है? क्योंकि वो हाइब्रिड है. सो द सेम रीजन फ्लावर ऑन्स आर हार्ड टू ब्रीड इन पर्टिकुलरली काम्फास, वो बिकॉज ऑफ दैट हाइब्रिड सिचुएशन. यस गुड. नो एक तो हमने अंडरस्टैंड किया कि जब खरीदते हैं तो हमें क्या करना है, टैंक सेटअप कैसे करना है. ये मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूं कि खरीदने से पहले टैंक रेडी हो और टैंक साइकिल हो. तो आप क्या बोलते हो, कितना दिन साइकिल रेडी रखना चाहिए, क्या रेडी रखना चाहिए? मैं मेरे जो भी कस्टमर्स है उनको मैं बोलता हूँ मिनिमम 4 to 5 days टैंक में पानी, मतलब इट शुड बी फिल्ड एंड द सिस्टम शुड बी रनिंग. और मार्केट में स्टार्टर किट्स बहुत सारी है, सो आई रिकमेंड देम. अगर उनके पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश टैंक है तो उसका स्पॉन्ज फिल्टर इसमें स्क्वीज करो, और नहीं या तो फिर आप स्टार्टर किट लेकर टैंक रनिंग स्टार्ट. स्टार्टर किट मतलब जो बैक्टीरिया पैक, हमारा एपीआई का वाटर केयर है वो अवेलेबल, वो भी है, दूसरे कंपनीज का भी है, आप कोई भी यूज कर सकते हो. या जैसे जीशान ने बोला, आप अगर एस्टेब्लिश टैंक है तो उसका स्पॉन्ज फिल्टर इसमें थोड़ा धो सकते हो. बट ऑलवेज एड बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आप जितना ज्यादा एड करोगे पानी उतना साफ रहेगा, मच्छी उतना हेल्थी रहेगा. नाउ फाइनली फ्लारन के फूड के बारे में मेरे को बहुत सारे डाउट्स है, ओके, एंड मैं ये जीशान से पूछना चाहता हूं. बट फूड या फूड वैरायटी या कौन सा फूड एंड क्यों, वो सब डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा ये डिजीजेस के बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूं. फ्लारन को कॉमनली कौन सा डिजीजेस आता है? दो डिजीजेस, दो नहीं अगर पर्टिकुलरली देखो तो 3 to 4 डिजीजेस जो बहुत कॉमन है. उनमें से एक तो इच, व्हाइट स्पॉट बोलते हैं, व्हाइट स्पॉट. व्हाइट स्पॉट के अलावा व्हाइट पूप जो उनका इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल पैरासाइट, और डक लिप्स और पॉपआई डिजीज. तो ये बहुत कॉमन है फ्लावर ऑन. बहुत पॉप. ये डिजीज क्यों आता है? ये डिजीजेस का जो कॉज है वो मल्टीपल फैक्टर्स है, जिनमें से जो मेजर फैक्टर्स दो है वो है लैक ऑफ इक्विपमेंट्स. क्योंकि जब वाटर क्वालिटी पुअर होती है तो उस वजह से ये डिजीज, ये जो इनके जो बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट्स जो भी है दे स्टार्ट थ्राइविंग. और जो सेकेंड रीजन वो है कि जो हम लोगों का सोर्स ऑफ वाटर है इट्स नॉट ऑलवेज वेरी क्लीन एंड प्योर. सो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सोर्स वाटर मतलब आप अगर म्युनिसिपैलिटी का पानी यूज कर रहे हैं या कॉरपोरेशन का पानी यूज कर रहे हैं या बोरवेल का पानी यूज कर रहे हैं, तो पानी हमेशा स्टार्टिंग से टेस्ट करना जरूरी है. पहले ये जान लो कि आपके पास पानी कौन सा है, ओके, एंड उसके हिसाब से ओके क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना है, ये आपको पहले से जानकारी होना चाहिए. एंड अगर आप बीएमसी या कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी यूज करते हो तो कोई अच्छा क्वालिटी का क्लोरिन रिमूवर यूज करो, ओके, एंड अगर आप बोरवेल वगैरह है तो उसका हार्डनेस चेक करो. ओके, हार्डनेस भी थोड़ा इश्यू हो सकता है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा इश्यू हो सकता है. ओके, नाउ जनरल मेडिकेशन क्या है इसके लिए, आप क्या सजेस्ट करते हो? मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो फिश मेडिकेशन के लिए मतलब काम आते हैं, बट आई प्रिफर ओल्ड स्कूल मेथड्स, जैसा जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन. और आई कीप रॉक सॉल्ट इन हैंड हमेशा. इट्स ऑलवेज वेरी गुड. यस. और अभी रिसेंट में मुझे आपने एक प्रोडक्ट दिया था, आई ट्राइड इट एंड इट्स गुड. जो ये प्रोडक्ट है न्यूट्रो प्लस. हाँ. Yes. क्या रिजल्ट मिला आपको इसमें से? सो द फिश वॉज वेरी डल, तो कलर वगैरह डाउन हो गया था. एक रेड ड्रैगन थी मेरे पास, मैंने उसको ये ड्रॉप्स डाला था उसके मुंह में, एंड द फिश गॉट एक्टिव इन 2 to 3 days, सो इट वॉज गुड. काम आया तो वेरी गुड. तो फ्लारन के लिए भी एपीआई न्यूट्रो प्लस काम आता है बस. हाँ, ऑल्सो इंटरनल पैरासाइट्स अगर है तो बहुत काम आता है. इफ यू कैन ट्राई इट नेक्स्ट टाइम, कोई इंटरनल पैरासाइट वाला जो पेट श्रिंक हो गया है, यू नो खाना नहीं खा रहा है, तो 2 drops यू विल सी दैट इंटरनल पैरासाइट निकल जाता है एंड पूरा फिश खाना खाने लगता है. ओके, दैट्स वेरी थिंग. नए फिश में जब आप नए से कहीं पे डालते हो तो अगर 1-2 दिन खाना नहीं खाया तो ये थोड़ा उसमें खाने में डाल के डाल दीजिए, फटाफट खाएगा, बिकॉज उसका जो स्मेल है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव. सो दैट्स व्हाट इट वर्क्स. मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा. प्लीज. नाउ जैसे जीशान ने बोला, ओवर मेडिकेट कभी मत करो, राइट?
अननेसेसरी मेडिसिन मत डालो, जरूरत ही नहीं। अगर आप टैंक साफ रखो, पानी साफ रखो, यू नो थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट हीटर वो सब मेंटेन करो, रेगुलर मेंटेनेंस। मतलब अगर कचरा आप निकालते रहो, जो पूप होता है वो एटलीस्ट डेली थोड़ा थोड़ा निकालना बेटर है, एक 5% वाटर चेंज समझो। वो ग्रूमिंग टेक्निक्स में जाता है, तो बहुत सारी ग्रूमिंग टेक्निक्स है वाटर चेंज रूटीन की। सम डू 5-10% पर डे, सम डू 30-40% पर वीक। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू के आपकी फिश कैसा रिएक्ट कर रही है आपके वाटर चेंज रेजिमे को। करेक्ट। फ्लारॉन का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि वो यू नो वो आपके हाथ को फॉलो करता है। ऑफ कोर्स ये फ्लारॉन थोड़ा सा शांत है अभी, स्ट्रेस के भी न्यू प्लेस, नया जगह, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ये कितना इम्पोर्टेंट है, यू नो व्हाई, ये होता क्यों? उसका मतलब दो रीजन है। कभी कभी फ्लावरॉन भूखी होती है और ऑब्वियसली वो टेरिटोरियल और एग्रेसिव है, तो जब वो एक किसी का हाथ या किसी को देखती है सामने आते हुए, सो उसको अटैक करना होता है वो। या और दूसरा रीजन, और दूसरा रीजन ये है कि जब वो लाइक फ्लावरॉन ऐसी है कि वो अपने ओनर को पहचानती है, इट नोज कि उसको कब फीडिंग मिलने वाली है, तो टाइम सेंसिटिव या हैबिटुअल हो जाता है उनको। जी जी, तो अभी जब हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए फिशेज प्रिपेयर करते हैं, सो मुझे मेरे एक इंडोनेशिया का मेरा टीचर था मिस्टर हैरी सुजेंडो, उसने मुझे सिखाया ये ट्रिक बताया था। तो इंडोनेशिया कॉम्पिटिशन के लिए जो भी हम लोग फिशेज प्रिपेयर करते हैं ना, उन लोगों को हम लोग हैंड ट्रेन करते हैं। तो हम लोग पहले टैंक में हाथ डाल के फिशेज से खेलते हैं, वो कितना भी डरे लाइक कुछ वक्त बाद, कुछ दिनों बाद वो डरना बंद हो जाती है, और जैसे ही हम लोग हाथ निकालते वी फीड इट इमीडिएटली, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग अंदर हाथ डाले तो वो उसको रिलेट करना चाहिए कि उसको भी फीडिंग मिलने वाली है, तो कभी भी डरती नहीं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हम लोग डॉग ट्रेनिंग में ये यूज करते हैं, डॉग को सिट बोलो और फिर खाना दो, इट्स द सेम मेथड। नाउ हाथ डालना, फिश को हाथ से उठाना, ये सब प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अननेसेसरी हैंडलिंग में रेकमेंड नहीं करूंगा। अनवांटेड मत करो। यस yes. जरूरत के हिसाब से या ऐसा एक ट्रेनिंग के हिसाब से या ग्रूमिंग के हिसाब से yes. आप कर सकते, बट केयरफुल रहना चाहिए। yes. ठीक है। नाउ एक और वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड देन हम लोग फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग पूरा पानी निकाल के टैंक को धो के सर्फ साबुन सब लगा के, इसके लिए क्या बोलते हो? मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि सबसे पहली बात तो फ्लावर ऑन के लिए मैं खिलाफ हूँ 50% से ज्यादा वाटर चेंज के। ओके, लाइक मेजर वाटर चेंज फ्लावर ऑन के लिए कभी नहीं होना चाहिए, स्पेशली हम लोग इंडिया में रहते हैं, टैप वाटर या जो भी कॉर्पोरेशन का पानी आता है, या कुछ लोग बोरवेल भी यूज करते हैं, तो मैं तो वो रेकमेंड करता नहीं हूँ बोरवेल, क्योंकि हार्ड वाटर होता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि 50% से कम ही वाटर चेंज करो, और फिश को कभी भी बाहर ना निकालो, और फिल्टर मीडिया जो है वो फ्रेश वाटर से ना धोना चाहिए, टैंक के पानी से ही धोना चाहिए। यस दैट्स राइट। सो अगेन फिल्टर मीडिया की बात आई तो हमारी एपीआई का बायो मीडिया है, उसके साथ नेटबैग वाटर केयर वगैरह आता है, यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट। फूड सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ जो छोटा स्मॉल साइज फ्लावरॉन है, समझो एक 1.5-2 inches, उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है क्या? एंड बड़ा जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है क्या? तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी फिशेज ग्रूम किया हूँ सिंस द पास्ट 7 years, और आई गिव द सेम फीडिंग रूटीन टू ईच वन ऑफ देम। वो जो उसमें जो कंसिस्टेंट होता है, जो कॉन्स्टेंट रहता है, वो उनका फीडिंग डाइट उनका कंसिस्टेंट रहता है। इट्स सो गुड क्वालिटी फूड बट लिमिटेड, ओवर फीड नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि फ्लावर ऑन लाइक कभी भी खुद ओवर फीड नहीं करती, नहीं करती पर्टिकुलरली, अगर पसंद नहीं है तो छोड़ देती। हाँ, सो दैट्स अ गुड थिंग, बट स्टिल ओवर फीड ना करें। एंड खाने को अगर फिश नहीं खाता है तो निकाल दे जी, क्वांटिटी में ना छोड़े। मैं ये बोलता हूँ क्वांटिटी के जगह पे मील्स, नंबर ऑफ मील्स बढ़ा दो, मतलब 5 बार 6 बार, थोड़ा एवरी 3 hours इज फाइन। हॉबीज एंड जो वर्किंग पीपल है उनसे होता नहीं है, सो मॉर्निंग इवनिंग करते होंगे, बट दैट्स गुड। हाँ वो ठीक है। मैं कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ आप ऑटो फीडर ले लो। तो ऑटो फीडर से ये होता है कि दिन में वो लोग जब नहीं प्रेजेंट नहीं होते तो फिश को फीडिंग मिल जाती है, सो दैट्स अनदर ऑप्शन। ठीक है, तो फीडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। फूड, मैं तो यू नो फ्लावरॉन का फूड देख के मैं सच्ची में मार्केट में जो दिखता है मैं डर जाता हूँ। ओके,
बिकॉज उसमें आगे पीछे कुछ नहीं, सिर्फ हार्मोनी हार्मोन. ओके, एंड सम ऑफ द फूड्स जो इनिशियली उस सूमो करके आता था, हम्पी हेड, वो तो अभी अपना लोकल इंडिया में चेन्नई में बन रहा है, डुप्लीकेट बन गया. तो उसमें ओरिजिनल कौन सा, डुप्लीकेट कौन सा पता नहीं. तो फ्लारॉन ले लिया, अब किला है क्या? जो मैं फीड पर्सनली जो मैं रेकमेंड करता हूँ और मैं जो खुद अपने फिशेस को पर्सनली देता हूँ, वो ऑर्गेनिक है. और मेरे ख्याल में जो सबसे बेस्ट फूड है फॉर फ्लावरॉन्स इज आइदर फ्रोजन आर्टिमिया और फ्रोजन ब्लड वर्म्स. और यू कैन इवन फीड लाइव ब्लड वर्म्स, लेकिन वो थरली क्लीन नहीं होता है. क्लीन नहीं होता है वो. लाइव ब्लड वर्म्स में इन्फेक्शन, वर्म्स वगैरह बहुत आता है. सो दिस इज नेचुरल, ठीक है. बट अगर वो सी नेचुरल का अवेलेबिलिटी बहुत प्रॉब्लम है बस. एंड फ्रोजन मतलब फ्रिज में रखो, घर में जूते पड़ते हैं. ओके, किसी के भी घर में, ऐसा नहीं कि आप नॉनवेज खाते हो, मैं नहीं खाता हूं, बट सबके घर में जूते पड़ते ही हैं. ठीक है, कि क्या रखा है फ्रिज में, मम्मी वो सब बहन लोग सब गाली देते हैं बहुत, आपके घर में तो होता होगा. तो व्हाट इज अ गुड ऑप्शन? ओके, पैलेट्स में अगर आप लोग ऑप्शन देखते हो, तो मैं पर्सनली गोल्डफिश और कोई फिश का फूड प्रेफर करता हूँ ग्रोथ के लिए, नॉट फॉर कलर एनहेंसमेंट. क्योंकि इनका जो फूड होता है इट इज मेंट फॉर, क्योंकि कोई आप कंपटीशन ग्रेड की जो कोई देखते हो, उनकी बॉडी एकदम थिक और ब्रॉड और लॉन्ग होती है. सो जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उनकी, वो वैसी बॉडी बनने के लिए, तो वो कोई फिश और गोल्ड फिश फूड में बहुत ज्यादा होती है. ज्यादा प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, फैट कंटेंट हाई होता है. तो फ्लावर ऑन के लिए वो सबसे बेस्ट है. क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि फ्लावर ऑन की बॉडी थिक होना चाहिए, स्किनी नहीं होना चाहिए, पीछे से दबी हुई पतली सी. सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको फ्लारॉन का ही फूड नहीं मिलता है, तो एक तो ब्लड वर्म या फ्रोजन चीजें हैं जो अगर मिलता है तो प्लीज, बट अगर फ्रेश ब्लड वर्म्स मिलता है तो मेक श्योर वो बहुत ही साफ हो, क्लीन हो, क्वारंटाइन हो, अच्छा क्वालिटी का हो, नहीं तो आपके फिश में वर्म्स आएगा. नाउ अगर फ्लारॉन का पैलेट नहीं मिलता है, तो आप गोल्ड फिश का पैलेट या कोई का पैलेट भाई यूज कर सकते हैं. बट सी गोल्ड फिश एंड कोई का पैलेट जो है ज्यादातर लो प्रोटीन का होता है. ओके, इट्स ओनली अबाउट 35-40% प्रोटीन. ठीक है, ये फ्लारॉन के लिए ओके ज्यादा प्रोटीन चाहिए कि नॉर्मल चाहिए, कैसा है? फ्लावरॉन की जो रिक्वायरमेंट है 35-40% प्रोटीन उसके लिए सफिशियंट है. क्योंकि हम लोग अगर उसको ज्यादा प्रोटीन भी देंगे, वो तो सिर्फ परसेंटेज है, लेकिन उसकी बॉडी को जितना एक्सेप्ट करना है वो उतना ही प्रोटीन एक्सेप्ट करेगी, बाकी सब वेस्ट हो जाएगा. सो अगेन सी द पॉइंट जिशन इज मेकिंग यहाँ पे इज दैट अगर आप ओवर प्रोटीन खिलाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, तो संभल के देख के खिलाइए. नाउ हम लोग दोनों खाने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सब वेराइटीज हमने आपको बता दिया, बट यस हमारा लाइफ आयु का भी एक फ्लावरॉन फूड है जो आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करूंगा. जिशान तो ट्राई कर चुके हैं, एंड उनका 9.9 का अगेन रेडियो चैनल नहीं है बॉस, फार्म है, फिश फार्म है. ठीक है, पता चला नेक्स्ट गाने का फरमाइश करेंगे. नहीं नहीं, रेडियो चैनल नहीं है, फिश फार्म है. 9.9 का भी एक फिश फूड है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, देखते रहो. सो पैलेट फूड में पहले इंट्रोड्यूस करते हैं थाईलैंड से, जहां से ये फार्म से आता है, उनका खुद का प्रोडक्शन है, वो प्रोड्यूस करके यहां पे बेचते हैं. एंड जीशान के पास ये फ्लारॉन का फार्म वालों का फ्लारॉन के लिए फूड अवेलेबल है. नाउ काफी सारा रिसर्च के बाद जीशान जैसे हॉबीस्ट एंड और भी फ्लारॉन हॉबीज से बात करके, डिस्कस करके, हमने भी एक फ्लारॉन के लिए फिश फूड डेवलप किया है, और वो तीन साइज में आता है. बिकॉज मुझे लगता है कि जब फ्लारॉन छोटा है तो उनको मसल बिल्डिंग के लिए और बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो बिल्डिंग के लिए ज्यादा चाहिए. थोड़ा और बड़ा होंगे या 4 इंच के बाद होंगे तो हेड ग्रोथ के लिए चाहिए, कलर के लिए चाहिए. एंड जब वो 8-9 इंच का हो जाते हैं तो उनको लॉन्गेविटी, मतलब इट्स नॉट अबाउट द चेंज इन प्रोटीन या लेवल, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज द सेम क्वालिटी, बट उसमें थोड़ा इंग्रेडिएंट्स ऐसा है जो फिश को लंबा जीने के लिए हेल्प करता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम साफ करने के लिए हेल्प करता है. तो हमने ये तीन एलिमेंट हमने आपको भी दिया था ट्राई करने के लिए, आपका फीडबैक क्या है? मैं एक पूरा पैकेट खत्म होने के बाद इंशाल्लाह फीडबैक दूंगा.
और एक्सेलेंट बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज दिस फूड ऑन आवर फिशेस. बट जनरली आप अभी यूज कर रहे हैं तो जनरल रिस्पांस फिश एक्सेप्ट कर रहा है, इमीडिएटली ले रहा है, कैसा है? द फिशेस आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ नाउ. So we'll keep the test going. Test continue करेंगे, next time discuss करेंगे कि result क्या है. And हो सके तो एक fish लेके आएंगे जिसमें fish ये food हमने खिलाया और हम लोग आपको दिखाएंगे भी जरूर. तो जीशान, ऐसा कोई भी question है जो मैंने miss out किया, जो आप फ्लारॉन keepers को आप कुछ information देना चाहो कि मैंने ऐसा कुछ पूछा नहीं है बट आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है फ्लावर ऑन कीपिंग में, बताइए. जो मेन फैक्टर है फ्लावर ऑन में जो क्वालिटी डिटरमाइन करता है वो है जेनेटिक्स. तो लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो फिश कोई भी ले और उसको सोने का फूड कितना भी महंगा फूड देते और वो फिश विल टर्न आउट टू बी ब्यूटिफुल, तो ऐसा नहीं है. तो जो मेन आपका जो प्राइमरी चीज है, द फर्स्ट स्टेप टू ओन और प्रोक्योर अ गुड क्वालिटी फ्लावर ऑन वो है सिलेक्शन. तो अगर आपका सिलेक्शन प्रॉपर है, फिश की जीन्स अच्छी है, तो आप कोई भी फूड उसको दो वेदर कलर एनहेंसर तो वो उसके ऊपर बेटर वे में काम करेगा. अगर ग्रोथ का फूड है तो उसमें बेटर वे में काम करेगा. चाहे उसका न्यूकल हम्प हो जिसको हेड बोलते हैं या फिर उसका पर्लिंग या बेस कलर हो, बॉडी स्ट्रक्चर हो. तो बेसिकली आप गधा खरीद के जितना भी चना खिलाओ घोड़ा नहीं बनेगा, करेक्ट? सिंपल बात. तो ये आज का सीख है. एंड आज हमने जीशान के साथ ये डिस्कस किया कि फ्लारॉन्स कैसे रखना चाहिए, कैसा खरीदना चाहिए, यू नो क्या खिलाना चाहिए, कैसे क्या वगैरह वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस किया. अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में पूछिए, ओके? एंड एक और वीडियो बनाएंगे और वो पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे और वो जानकारी ऑफकोर्स हम लोग आपको देना चाहेंगे, ठीक है? तो मैं आशा करता हूं आपने ये वीडियो से भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन समझा, जाना, देखा, सीखा, सब कुछ. एंड और वीडियोस ऑफ कोर्स जीशान के साथ बनाएंगे. तब तक के लिए मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम के तरफ से, जीशान भाई के तरफ से, उनका 9.9 सेफ हाउस एंड हमारा पूरा टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. बहुत जल्दी मिलेंगे जीशान भाई, और भी बहुत सारे वैरायटीज लेके आएंगे, हम लोग व्यूअर्स को दिखाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग वैरायटीज के बारे में. वो बता रहे हैं कि लेके आएंगे एक एसआरडी या वो सुपर मंकी देखने का है मेरे को, सुपर रेड ड्रैगन, सुपर मंकी, कुंफू मंकी, पैंडा, सब कुछ आएगा. देखते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे. चलो बाय बाय.